हेलो मेरी सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ईश्वर की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या डाउनलोड्स हैं, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इस समय आपको क्या जानने की ज़रूरत है। जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं आपको कन्वे करने की कोशिश करूँगी। ओके, अपने आप को किसी भी सिचुएशन में फिट नहीं करना है। जो गाइडेंस मिलेगी गाइडेंस लीजिए और थोड़ा सा ओपन माइंड रह के देखिएगा। ओके, भगवान जी प्लीज़ मुझे हेल्प करिए ताकि मैं मेरे व्यूअर्स को सही गाइडेंस दूँ। देखिए, एक कार्ड पहले ही अपने आप आके गिरा है एंड ये मैं लूँगी क्योंकि अपने आप ही आके गिरा है। भगवान जी प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को सही गाइडेंस दीजिए, मुझे हेल्प करिए ताकि मैं मेरे व्यूअर्स तक सही मैसेज पहुँचाऊँ। थैंक यू गॉड, गॉडेस, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स, एंसेस्टर्स, ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जस्टिस, हार्ट चक्रा हीलिंग, वाओ, वेरी नाइस। ये अनफोल्ड हुआ है, इट्स बटरफ्लाई। स्पिरिचुअल जेल, यू आर विनिंग, योर पर्सन इज इंटिमिडेटेड बाय यू। किसको डरा के रखा है आपने? आपके पर्सन घबराए हुए हैं आपसे, डरे हुए हैं आपसे। टॉर्टोइज, ये कछुए की जो चाल है आपके पर्सन की ही है क्राइंग। ओह माय गॉड, योर पर्सन इज ए क्राइंग बेबी। आपके पर्सन रो रहे हैं, आप भी रो रहे होंगे। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन मुझे फील ही हो रहा है आप दोनों के बीच में। ये जितने डिवाइन कनेक्शंस, बहुत जितने भी डिवाइन कनेक्शंस होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। व्हाई दिस ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। ओके, डोनेट मोर फॉर बैलेंस एनर्जीज, सेल्फ हीलिंग, वाव, ग्रचेस। याद आ रही है आपके पर्सन को, तो आपकी याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। योर ब्रेक थ्रू इज नियर, कंग्रेचुलेशंस। दो कार्ड और लूंगी मैं। ब्लॉक थ्रोट चक्रा, हग्स एंड किसेस। या योर पर्सन जेन्युइनली लव्स यू वेरी मच, नो योर सेल्फ वर्थ। आपकी लाइफ में ना पता है बहुत सारी चीजें तो इसलिए घट रही हैं ताकि आपको अपना सेल्फ वर्थ पता चले। मुझे लगता है शायद आपको पता ही नहीं आप कौन हो, आपको आपके सेल्फ वर्थ का नॉलेज ही नहीं है। तो कुछ इवेंट्स आप लोग की लाइफ में इसलिए हुए हैं ताकि आपको पता चले आप कौन हो, आपकी सेल्फ वर्थ क्या है। अगर आप अपने आप को बहुत छोटा समझते हो तो छोटा मत समझिए, बिकॉज आपको नहीं पता है आप क्या हो। पहला ही कार्ड जो आया है वो डिवाइन क्राउन का आया है। ईश्वर ने आपको एक क्राउन पहनाया हुआ है, ईश्वरीय ऊर्जा है आपके अंदर। देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड आया है, राइट? तो आप में से काफी सारे लोग हैं जो कुछ डिवाइन पर्पस के लिए चूज करे गए हैं। आप लोग का कुछ डिवाइन पर्पस हो सकता है धरती पे, समय आने पे पता चलेगा। इस समय आपके जो भी स्पिरिट टीम या स्पिरिट गाइड जिस पाथ पे आपको लेके जा रही है वो पाथ पे आप आगे बढ़ते रहिए। एंड यू हैव सम डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज एंड डिवाइन पावर। आपके जो भी पर्सन है, आप जो भी पर्सन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है बिकॉज ऑब्सेशन बहुत हाई है। बहुत हाई मतलब बहुत हाई, आपके पर्सन ऑब्सेस्ड है, एडिक्टेड है आपको लेके। योर पर्सन इज इंटिमिडेटेड बाय यू, आपके पर्सन डरे हुए हैं आपसे। अब मुझे नहीं पता, देखिए आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है। डरे हुए हैं मतलब ये फियर किस चीज का है कि आप उनको छोड़ के ना चले जाओ,
आप किसी और को ना चूज कर लो, इस सेंस में डरे हुए हैं। आपके पर्सन को बहुत याद आ रही है, आपके लोनर है आपके पर्सन। अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे हैं, भले वो थर्ड पार्टी में होंगे अभी, है ना, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक यहाँ पे कार्ड निकल के नहीं आया है, लेकिन भीड़ में भी आपके पर्सन तन्हा है, आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, लिटरली याद आ रही है, और इतना मिस करते, देखिए रोते हैं आपके पर्सन आपको लेके। अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत इंजॉय कर रहे हैं, खुश है, बिल्कुल नहीं, आपके पर्सन रोते हैं आपको लेके। और ये रोना आई थिंक आपको भी आता होगा, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन का कार्ड नहीं आया है, लेकिन इंटरनली जब मैं कार्ड निकाल रही थी, मुझे इंट्यूशन आई कि आप दोनों के बीच में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है। कछुए की चाल चल रहे हैं आपके पर्सन, कछुए की चाल से आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। हग्स एंड किसेस, आपके पर्सन डेफिनेटली आपको किस करना चाहते हैं, टाइटली हग करना चाहते हैं, ऑफकोर्स जहाँ इतना प्यार है, आपके बगैर वो रो रहे हैं, तो डेफिनेटली अफेक्शन तो बहुत स्ट्रांग होगा, ऑब्सेशन है। देखिए इस समय आपको स्पिरिचुअल जेल में रखा गया है, आपकी जो भी हाईएस्ट आपके हाईएस्ट गुड के लिए यही इंपॉर्टेंट है, जो भी आपकी डिवाइन एनर्जीज है या जो भी डिवाइन पावर्स है। देखिए अगर आपको डिवाइन क्राउन पहनाया गया है, तो कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में या भगवान के काम करने में या डिवाइन पर्पस में, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की मर्जी चलती है। अगर आप गलत जाओगे, स्पिरिचुअल जेल होगी, है ना, बेईमानी करोगे, स्पिरिचुअल जेल होंगी। अगर आप भगवान का काम करो, तो आपको भरोसा बनना है लोगों का, आपको जैसे ईश्वर या शक्ति, लोग जैसे ईश्वर में शक्ति होती है, सबसे प्यार करना, सबका ध्यान रखना, पालनहारी कहते हैं ना हम भगवान को, वैसे ही आपको बनना है। अगर भगवान ने आपको चूज किया है, भगवान ने कोई असाइनमेंट आपको दिया है, तो वो करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, है ना। तो आप सबकी सेवा कर सकते हो अपने लेवल पर, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, किसी भी तरीके से आप सेवा कर सकते हो, यही आपके हाथ में है, और आई थिंक यही आपका पर्पस भी हो सकता है किसी भी सेंस में। आप अपनी बातचीत से करो, आप फाइनेंस से करो, आप काइंडनेस से करो, जैसे कर सकते हो वैसे करो, लेकिन अगर आप ईश्वर की मर्जी के अगेंस्ट गए, बेईमानी करी, गलत राह पर चले, तो ये चीजें बार बार होती रहेंगी। देखिए जस्टिस आपको मिल रहा है, जस्टिस आपको मिलेगा। अगर आपके साथ कुछ खराब हुआ है, लोगों ने आपके साथ गलत किया है, धोखा किया है, या आपको आपके साथ बिट्रे किया है, अगर कुछ भी आपके साथ हुआ है ना, रिमेम्बर वन थिंग, आप एक डिवाइन जर्नी में हो, सब चीजें वेल प्लान्ड है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अगर मैं या आप गलत चले हैं, तो हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है, हिसाब एक तिनके का भी होता है, ये चीज का आपने ध्यान रखना है ना। तो हमें गलत राह पे नहीं चलना, हमें सही राह पे चलना है, और हमें लोगों का भरोसा जीतना है। ओके, भरोसा जीतना मतलब अच्छे काम करके, सिर्फ भरोसा ही नहीं जीतना, अपने कर्म अच्छे रखने हैं। यू आर विनिंग, अगर लोग आपको हरा रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, या कुछ भी आपके साथ गलत कर रहे थे, यहाँ पे आप जीत रहे हो, जीत आपकी हो रही है, जस्टिस आपको मिल रहा है, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर ने आपको डिवाइन क्राउन पहनाया हुआ है, लेकिन साथ में कुछ पनिशमेंट दी हुई है, तभी स्पिरिचुअल जेल का कार्ड है। डोनेट मोर फॉर बैलेंसिंग एनर्जीज। अगर ऐसा है कि आपने बहुत सारा पैसा कमाया है, तो कृपया करके देखिए, मुझे नहीं पता आपका क्या सैलरी है और व्हाट एवर यू डूइंग, बट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 1 लाख रुपीज सैलरी है पर मंथ, एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, तो आपने हाथ जोड़ना है उस 1 लाख रुपीज के लिए, एंड ईश्वर से कहना है कि ये पैसों में से मैं कुछ परसेंट दान करूंगा या करूंगी। अब वो कितना भी हो सकता है, आप अपने खर्चे के हिसाब से करिएगा। ओके, जब आप दान करोगे ना, तो आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली बहुत सारे ब्लॉकेजेस हटेंगे, और ये चीज की गांठ बांध लो, देने से और दान धर्म करने से कभी भी किसी के पास कम नहीं हुआ है ना, ना ही कम आपके पास होगा। तो थोड़ा सा अपना हाथ आगे बढ़ाओ देने के लिए। ब्लॉक थ्रोट चक्रा, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक किया है, या फिर ऑटोमेटिकली आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हुआ है, बट हीलिंग आपके पास है, क्योंकि आपके बॉडी में कुछ ऐसे
पोटेंशियल है या आपकी कुछ ऊर्जा इस तरीके की है कि आपके अंदर सेल्फ हीलिंग की कैपेसिटी है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हील होती है, आपको ज़्यादा दवाइयों में नहीं घुसना पड़ता। ब्रेक थ्रू आपका बहुत पास है, आपकी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि बटरफ्लाई का कार्ड है। बटरफ्लाई हमें क्या शो करती है? ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। हो सकता है आपको बहुत सारी बटरफ्लाई दिखती होंगी। बटरफ्लाई दिखना इज ऑल्सो अ साइन ऑफ एन एंजल। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के चक्रास बैलेंस होना एंड हील होना। कुछ लोग हैं जिन्होंने ग्रजेस पाल के रखे हैं आपके अगेंस्ट, ये वो लोग हो सकते हैं जो आपके एनिमीज हो, हेटर्स हो, आपको परेशान करना चाहते हैं। ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। देखिए ये अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा ये कार्ड क्यों आया है। ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, मतलब आप जैसा कुछ समझ रहे हैं वैसा है नहीं। अपनी इंट्यूशन की सुननी है इस मामला में। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स। अगर रिलेशनशिप में जल्दबाजी कर रहे हो तो मत करो, बिकॉज चीजें कुछ प्रिपेयर नहीं है, है ना। आई थिंक इधर यू और योर पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट, विच इज वेरी टफ। तो इस समय आप रिलेशनशिप पे ज्यादा ध्यान मत दो। अगर मतलब देखिए यहाँ पे बाबा कह रहे हैं आपसे कि 3D वर्ल्ड में जो कुछ चल रहा है वो तो चलता रहेगा, लेकिन आपका जो भी आपका एक सोल पर्पस है, आपको उसको मद्देनजर रखते लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको अपने सोल पर्पस पे काम करना है, ठीक है। विकास, आपकी उन्नति के लिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए भगवान चैलेंजेस दे रहे हैं, एक्सेप्ट करिए। ओके आपने जो गलती करी है, आई थिंक दिस कार्ड इज कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल जेल। अगर आपसे कुछ भूल हुई है, आपसे कुछ गलती हुई है, या जानबूझ के आपने कुछ किया है, किसी भी तरह की बेईमानी, उसकी पनिशमेंट ईश्वर आपको दे रहे हैं। ओके यहाँ पे कह रहे हैं कि ईश्वर भरोसा रखिए, धीरज रखिए, धैर्य रखिए, समय आने पे सारी चीजें आपको मिलेंगी। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल ये सब आपके जीवन में लौट के आएंगे। सिंपल सी चीज है, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, बस वही वाला हिसाब है। ओके फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें एंड वहां से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।